सो हेलो माई ब्यूटिफुल सोल्स, वेलकम टू माई चैनल पीपल टैरो। सो गाइज, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे हो, अगर अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइज, आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आ गई हूँ। गाइज, हु इज़ योर ट्रू लव? कौन आपसे सच्चा प्यार करता है? ओके, कोई कौन है वो पर्सन? कोई भी हो सकता है गाइज। ओके, यहाँ आपको ट्रू लव ये भी हो सकता है कि आपको अपना ट्रू लव कब तक मिलेगा। ओके, सो आज हम इसके ऊपर ही रीडिंग करेंगे, यही टॉपिक के ऊपर रीडिंग करेंगे। सो गाइज, आपके सामने हैं आपके नेम के इनिशियल्स। ओके, बहुत इजी है आपके लिए ऑप्शंस चूज करना। अगर आपके नेम के इनिशियल्स हैं ए से लेके एम के बीच में, तो आपको फर्स्ट फाइल पिक करनी है। ओके, एंड यहाँ पे है प्योरिटी कार्ड। ओके, सो आप देख सकते हो। सो गाइस, प्योरिटी कार्ड को पिक कर सकते हो आप लोग। ओके, वैसे मैं जूम पे लगा दूंगी, आप वहां से भी पॉज करके चूज कर सकते हो। ओके, 10 सेकेंड्स या 8 सेकेंड्स का टाइम मैं आपको देखती हूँ कि आप लोग वहां से चूज कर सकते हो, पिक कर सकते हो अपनी पायल को। वैसे ठीक है, सेकेंड पायल अगर आपके नेम के इनिशियल्स एन से लेके जेड के बीच में आते हैं। ओके, एंड ऑल्सो गाइज, आप लोग चैरिटी कार्ड को पिक किए हो, ठीक है, तो आपके लिए सेकेंड पायल है। सो दोनों ही ऑप्शंस आपके सामने हैं गाइस, तो आपको पिक करना है आपको अपनी लाइफ में कौन है आपके ट्रू लव आपके। ओके, सो कौन आपसे सच्चा प्यार करते हैं, ठीक है, कौन है वो पर्सन। सो स्टार्ट कर लेते हैं गाइस रीडिंग को। अगर आपको अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करवानी है, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है आपका, मैरिज या 3 मंथ्स कैसे रहेंगे आपके, या कैरियर रीडिंग या कुछ भी, ठीक है, सो आप करवा सकते हो ऐसे रीडिंग में से। एंड गाइज, यहाँ पे अगर आपने पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हो, आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है इंस्टाग्राम का, टाइम स्टैम्प्स के जस्ट ऊपर। एंड ऑल्सो गाइज, आप लोग अबाउट सेक्शन में भी देख सकते हो, वहाँ से भी पिक कर। सो गाइज, स्टार्ट कर लेते हैं आपकी रीडिंग को फर्स्ट फाइल के लिए। सो गाइज, अगर आपने लॉर्ड कृष्णा के इस कार्ड को पिक किया है, एंड आपके नेम के इनिशियल्स ए से लेके एम के बीच में आते हैं, एंड आपने प्योरिटी कार्ड को पिक किया है, तो गाइज आपके लिए क्या आ रहा है? प्योरिटी इन डीड्स एंड वर्ड इज रिवॉर्ड। सो आपके ट्रू लव कौन है? ये वो पर्सन है गाइज, जो पर्सन बहुत ज़्यादा प्योर सोल है। ओके, बहुत ज़्यादा अपने काम में इनको प्योरिटी रखना पसंद है ये पर्सन को। एंड वर्ड इज़ रिवॉर्डेड, एंड गाइज वर्ड इनको रिवॉर्ड देता है, ठीक है, इनके जो भी ये कर्म करते हैं इनको रिवॉर्ड भी मिलते हैं, ये वो हैं आपके पर्सन। एंड यहाँ पे मुझे सूर्य देवता भी दिख रहे हैं, ठीक है, सूर्य भगवान दिख रहे हैं, कृष्णा जी दिख रहे हैं। ओके, सो हिली स्टेशन से हो सकते हैं आपके पर्सन, मुझे यहाँ ऐसा दिख रहा है, हिल स्टेशन से भी हो सकते हैं। एंड यहाँ पे गाइज मुझे यहाँ पे रथ भी दिख रहा है, आई डोंट नो वाई, बट यस, ये कृष्णा जी का कार्ड्स है तो ऑफकोर्स रथ तो दिखेगा ही, महाभारत के ऊपर है ये, तो कृष्ण जी की लीला अपरंपार है, सो उनके ऊपर ही। तो गाइज कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना राधे राधे, ओके, या राधे कृष्णा। सो ऑफकोर्स स्टार्ट कर लेते हैं गाइज आपकी रीडिंग को। कौन है आपके ट्रू लव, कौन है वो पर्सन? ओके, सो हम देख लेते हैं, पहले सीधे हैं ना ये कार्ड्स। ओके, सो कौन है आपके ट्रू लव गाइस, कौन आपसे सच्चा प्यार करते हैं, या आपके सच आपको जो सच्चा प्यार करने वाले हैं वो कौन हो सकते हैं? ओके, सो आज यही सब चीज़ें देखेंगे हम। ओके, सबसे पहले ही एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ चुका है, नाइस नर्जिस, टू ऑफ कप्स, नाइस गाइस, कितने अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं, दोनों ही कार्ड्स इतने बेस्ट आए हैं आपके लिए कि यस, ये सच्चे प्यार की ही निशानी है ये कार्ड्स का आना। एंड यहाँ पे एम्प्रेस है, एंड नेक्स्ट है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड डॉटर ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, सो गाइस इट्स अ जनरल रीडिंग, सो कीप एन ओपन माइंड। ओके, वेट अ मिनट, सो यहाँ पे है जजमेंट, एंड लास्ट वन है गाइज आपके लिए 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक इज 9 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ नाइस, इंडिपेंडेंट एनर्जीज दिख रही हैं यहाँ पे, द स्टार है, सिंगल पर्सन है गाइज, जो भी आपके ट्रू लव है ना,
ये सिंगल पर्सन है, इनकी लाइफ में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं आया है जो इनसे प्यार करे या ऐसा कुछ, ठीक है। या अगर आया भी होगा उसके साथ बहुत एंडिंग्स ही हुई हैं इनकी, ठीक है। आपके ट्रू लव कौन है? यहाँ सबसे पहली बात गाइज, ये वो पर्सन है, यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, थोड़ी सी स्ट्रक एनर्जीज दिख रही है, ठीक है। इस पर्सन के माइंड में प्यार करते हैं आपसे, आपकी आपके साथ सच्चा प्यार करेंगे, बट थोड़ी सी स्ट्रक एनर्जीज, मतलब जैसे कह दें कि आप लोगों को उसको पता ही नहीं चल रहा कि यस आप ही उसके लिए ट्रू लव हो, ओके। ऐसा कुछ है यहाँ पे, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे। उसको लगता है यहाँ तो सब कुछ ख़त्म हो गया है, ठीक है, आप दोनों में। यहाँ गाइज नेगेटिव एनर्जीज को यहाँ पे ख़त्म करने के लिए बोला जा रहा है, नेगेटिव मत सोचो एक दूसरे के बारे में, ओके। टू ऑफ कप्स है यहाँ पे, ऑफ कोर्स यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा प्यार है यहाँ पे, लव रिलेशनशिप ऑफ कोर्स है, सच्चा प्यार गाइज आपको ज़रूर मिलेगा आपकी लाइफ में। ये वो पर्सन है जो आपके लिए पैशनेट रहेंगे। अगर आप इस पर्सन से अभी मिल चुके हो तो गाइज आपसे अगर मैच हो रही है रीडिंग तो लाइक ज़रूर कर देना, ओके रीडिंग को। एस ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, न्यू बिगनिंग्स दिख रही हैं यहाँ पे आपकी लाइफ में होते हुए, ठीक है। एंड ऑल्सो गाइज यहाँ पे आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स के साथ साथ बहुत ज़्यादा पैशनेट रहेंगे ये पर्सन। इस पर्सन के आने के साथ ही न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पे 1 वॉन्ड है, 2 वॉन्ड है, सॉरी 2 कप्स है, सॉरी, ठीक है। सिंक्रोनिसिटी दिख रही है, एंड आपको 3 दिख रहा होगा, 3 नंबर भी यहाँ पे है, 1 2 3। आपके लिए 1 2 3 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या ये डेट ऑफ बर्थ या ये भाग्यांक मूलांक, ठीक है। या ये मंथ्स, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च, ओके। गाइज ये पर्सन इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इस पर्सन के पास मनी का कोई इशू नहीं है, अपने पैरों पे खड़े हुए हैं, फेमस पर्सनैलिटी हो सकती है, लाइक कोई जैसे टिकटॉक का यूट्यूबर, ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है इनके अंदर, फेमस हो सकते हैं। यहाँ पे स्टार कार्ड है, फेमस पर्सनैलिटी को ही दिखाता है, ठीक है, फेमस पर्सन को ही दर्शाता है। यहाँ पे स्टार मतलब फेमस, या ये हीलिंग का भी साइन होता है, हीलिंग की ज़रूरत है इस पर्सन को या आपको, कि आपकी हीलिंग करने के लिए भी ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है। एज योर ट्रू लव, आपके ट्रू लव बनकर ही आपकी लाइफ में आए। यहाँ पे डॉटर ऑफ स्वॉर्ड्स है, डॉटर ऑफ स्वॉर्ड्स गाइज आपको यही बताती हैं कि आपकी लाइफ में जो भी ये पर्सन है ये पहले तो आपको फुल चेक करेंगे, ठीक है, आपकी हर एक इन्फॉर्मेशन निकालेंगे आपके बारे में, आप क्या करना चाह रहे हो, आप क्या कर रहे हो, ठीक है, आप क्या मतलब करना चाह रहे हो, कर चुके हो जो पास्ट में भी है, वो भी एनर्जीज ये निकाल लेंगे। या तो इनके पास कुछ ना कुछ सोर्स हो सकता है जिससे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन इनके पास चली जाएगी, ओके, या कुछ ना कुछ अथॉरिटेटिव पोजीशन पे भी हो सकते हैं, वो आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे है 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स गाइज आपको अपॉर्चुनिटीज भी दिखाता है, ठीक है। यहाँ पे वेटिंग पीरियड का भी ख़त्म होना हुआ दिखाता है, अगर आपको पता हो आपके हाथ में, वैसे मैं हाथ भी देख लेती हूँ अगर आपको पता हो, ठीक है। अगर आपके हैंड में जो ये आपकी लाइन्स है ना, अगर यहाँ से लाइन चलेगी इधर, ठीक है, एंड यहाँ से आपकी जो भाग्य रेखा है ये यहाँ पे आई और यहाँ पे बॉक्स बन गया, ठीक है। बॉक्स गाइज आपको क्या दिखाता है, मनी, ठीक है, मनी का ट्रेजर, ठीक है, आपके पास पैसे का भंडार होगा, ठीक है, इतना सेव कर लोगे आप लोग। यहाँ पे वही बनता हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ऑफकोर्स आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हो सकता है, मनी आपकी लाइफ में, ये पर्सन मनी का एक सोर्स बन सकते हैं आपके लिए, आपकी हेल्प कर सकते हैं, या जैसे होता है ना हस्बैंड वाइफ मिलकर पैसा जोड़ते हैं वैसे ही आपके लिए पर्सन हो सकते हैं, आपसे बहुत प्यार करने वाले हैं, आपको एक क्वीन की तरह ट्रीट करेंगे, रानी बना के रखेंगे, ठीक है, पर जाने नहीं देंगे कहीं पे, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि प्यार बहुत करते हैं ये पर्सन, बट फ्रीडम नहीं देंगे आपको, मतलब जैसे होता है ना कि फ्रीडम मतलब कैसे कह रही हूँ कि बांध कर नहीं, बट यस कि तुम मेरी हो तो मेरी ही हो, या तुम मेरे हो तो मेरे ही हो और कोई तुम्हारा नहीं होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें मुझे दिख रही हैं यहाँ पे। मैं यहाँ इसको उठा लेती हूँ बिकॉज ये थोड़े से कार्ड बिग हैं। ऑरेकल कार्ड्स हैं तो ऑरेकल कार्ड्स बड़े ही होते हैं गाइज, ओके। जजमेंट मिलेगी गाइज आपको इस रिश्ते में, ठीक है, ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं जजमेंट लेकर आते हुए दिख रहे हैं, ओके।
सी दिस, क्या मैंने बोला मनी ट्राइंगल गाइस, सी दिस, ये क्या आ गया डो टू वैल्यू, ये पर्सन आपकी लाइफ में मनी लेकर आ रहे हैं। ओके, पैसा पैसा पैसा, अगर आपको मनी इश्यूज हैं तो गाइस डोंट वरी, आपके जो भी ये पर्सन है ये आपके लाइफ में मनी इश्यूज को खत्म करने ही आ रहे हैं। सो अगर आप एंजाइटी फील कर रहे हो तो डर मत, डरो मत, ठीक है, एंजाइटी फील मत करो, डर फील मत करो गाइस, ठीक है, अपनी लाइफ में अच्छे से रहिए, ठीक है, अपने ऊपर फोकस करिए, अपने काम के ऊपर फोकस करिए, अपने हार्ट चक्रा को ओपन करने की कोशिश करिए, एंड आपका हार्ट चक्रा ओपन होता हुआ भी दिख रहा है। ओके, सो आपका हार्ट चक्रा गाइस आर्कएंजल रफियल को पुकार रही हो, वो आपके हार्ट चक्रा को हील कर सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं हील करने में। वाओ गाइस, इस मैसेज के बाद ही, हीलिंग के बाद ही रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड का आना यही दिखाता है कि आपको भी अपने आपको हील करने की ज़रूरत है। एंड मैंने आपको स्टार कार्ड भी दिखाया था, स्टार गाइस हीलिंग का ही कार्ड होता है। ओके, सो यहाँ पे एक्शन, सो यहाँ पे एक्शन लेते हुए भी दिख रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए, ठीक है, एक्शन यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन की तरफ से ही। ओके, सो यहाँ पे स्ट्रेटजी, ओके, सो आप लोग स्ट्रेटजी बनाते हुए दिख रहे हो गाइज अपनी लाइफ में। सो आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में, या तो यूनिवर्स ने ही आपके बारे में सब कुछ सोच रखा है, सो डोंट वरी, आपकी लाइफ में जब वो आपके सामने आएगा देन आफ्टर दैट गाइज आपकी लाइफ में कुछ होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आपके पर्सन आपकी किस्मत के, मतलब जैसे कहते हैं ना, लक आपका बनकर आ सकते हैं आपकी लाइफ में, मनी इश्यूज खत्म हो जाएंगे, आपका हार्ट चक्र अगर ब्लॉक था तो वो खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। अगर आप इस चीज़ से डर रहे हो वो डरना बंद कर दोगे, ठीक है, एंग्जाइटी खत्म हो जाएगी आपकी लाइफ में। ये पर्सन स्ट्रेटजी, यूनिवर्स ने ही स्ट्रेटजी बनाई हुई ऐसे ही भेजने हैं, ठीक है। आप लोग एक्शन लेते हुए भी दिख रहे हो, या ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं अपनी लाइफ में। सो ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि रेस्ट एंड रिजुविनेट करो। कि सो बॉटम ऑफ द डेक ऑल टाइड अप, सो सब कुछ बंधा हुआ है गाइज एक दूसरे के साथ, कोई भी चीज़न विदाउट किसी रीज़न नहीं होती है, हर एक किसी का रीज़न होता है। ओके, सो रीज़न यहाँ पे दिख रहे हैं गाइज, ठीक है। सो ऑफ कोर्स यहाँ आपके जो पर्सन है ना आपकी लाइफ में, जैसे अगर आप लोग उनसे भाग रहे हो, वो पर्सन आपके पीछे ज़रूर आएंगे, ठीक है, पीछे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे प्यार ज़्यादा करते हैं, आपसे ज़्यादा, ठीक है, आपसे ज़्यादा वो आपसे प्यार करेंगे, ठीक है। एंड आपके लिए गाइस 38 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 31, 11, 18, 9, 19 एंड 17, 21, 3, 8, 10, 1। ओके, ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं गाइस। 3 नंबर आ चुका है यहाँ पे, फिर से अगेन 3 नंबर। सो यहाँ पे है गाइस आपके लिए 3 ऑफ कप्स, एम्परर, नाइस, कौन है आपके ट्रू लव। एंड लास्ट कार्ड गाइज इसी डेक से हम निकालें, क्या आप उनसे मिल चुके हो या नहीं, या इन्हीं में से हम देख लेंगे, ठीक है, एंड कब तक मिलोगे, ठीक है, यही से देख लेंगे हम। व्हील ऑफ फॉर्चून गाइज, स्ट्रेटजी एंड व्हील ऑफ फॉर्चून एक ही कार्ड है, तो दो डेक से सेम कार्ड ही आया है ये। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड लास्ट वन इज एम्प्रेस। गाइज आप एक चीज देख पा रहे हो, एम्परर एंड एम्प्रेस एक दूसरे के साथ है यहाँ पे, बॉटम ऑफ द डेक इज टेम्परेंस। सो यहाँ पे मिडिल नज इज सेवन ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, सो गाइज यहाँ पे है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। सो गाइज यहाँ पे कोई बिजनेस करते हुए दिख रहे हो आप लोग एक साथ, ठीक है, या कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो फ्यूचर में। सो आप लोगों के लिए बिजनेस स्टार्ट करना भी अच्छा रहेगा। ओके, एंड ऑल्सो अगर कोई आप बिजनेस किसी के अंडर काम कर रहे हो, तो गाइज वहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको प्रॉफिट्स दिख सकते हैं किसी ना किसी चीज़ की। एंड ये पर्सन कोई कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हो सकते हैं पर्सन, मैं आपको बता दूँ, ठीक है, इंजीनियर होने वाले हैं, या जैसे होता है ना, आई डोंट नो वाई, बट हो भी सकता है, ठीक है। मैं किसी भी काम को छोटा नहीं मानूंगी, बट जैसे मिस्त्री होते हैं, ठीक है, मिस्त्री वो हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, सिविल इंजीनियर हो सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। या गाइज ऐसा होता है टीचर हो सकते हैं वो पर्सन, ठीक है, टीचर,
या अगर गर्ल है तो गाइज वो घर पे रह के जैसे वर्क, हाउस होल्ड शोज, ठीक है, ये सब चीज़ें करना, वो इजीली इसको ही प्रेफर करती होगी। एंड जॉब भी होगी उसके, एंड ग्रोथ उसकी लाइफ में बहुत सारी हो सकती है। बॉय गाइज ईगो वाले होंगे, ठीक है, थोड़ी सी ईगो, थोड़ी सी अपने अंदर कि यस मनी इश्यूज नहीं आने चाहिए, कुछ भी कर लूँगा, ठीक है। सो यहाँ पे एम्परर है, ईगो होती है इसके अंदर, कुछ भी करने से पहले, ठीक है, मनी इश्यूज नहीं है, मैच्योर एनर्जी है इसकी, ठीक है, मैच्योरिटी दिख रही है। एंड यहाँ पे जब कपल ही आ चुका है तो मैं और कुछ बोलना भी नहीं चाहूँगी यहाँ पे। सो कब तक होगी गाइस इस पर्सन से आपकी मुलाकात, जो ये गाइस पर्सन है आपके, इनसे कब मुलाकात होगी? मुझे यहाँ पे 4 मंथ्स दिख रहे हैं, 10 मंथ्स, 3 मंथ्स, ये टाइमिंग दिख रही है आपके लिए। 3 मंथ्स, 4 मंथ्स और 10 मंथ्स, या 3 वीक्स, 4 वीक्स और 10 वीक्स का टाइम दिख रहा है जिस टाइम में आप दोनों मिल सकते हो। एंड यहाँ पे आप डेस्टिनेड पार्टनर हो, तभी यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून 2 टाइम्स आ चुका है गाइज। ओके, डेस्टिनेड मतलब भगवान ने किस्मत में ही आप दोनों को मिलना लिखा हुआ है कि यस इस एज में आकर इस टाइम पे आप दोनों मिलोगे, ये चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं मिलने से पहले, और ये चीज़ें आपके साथ मिलने के बाद होने वाली हैं। ओके, सब चीज़ें डेस्टिनेड है यहाँ पे आपके लिए। आप लोग मेष राशि, एरिस मतलब वृष राशि, या फिर गाइस जिसको हम टॉरस राशि कहते हैं उसके हो सकते हो, ठीक है। सन मून राइजिंग एंड नॉर्थ नोड में आपके आते होंगे। टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एरिस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस एंड कैंसर, ओके, ये साइंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो गाइज यहाँ पे बहुत सारा रिस्पॉन्सिबल पर्सन होने वाले हो के, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं ये पर्सन के ऊपर, जो भी ये पर्सन है। एंड आप दोनों के मिल एंड आप दोनों ही डेस्टिनेड हो पहली बात। एंड ऑल्सो मिलने का टाइम गाइज 3 मंथ्स या 3 वीक्स हो सकता है, 4 मंथ्स और 4 वीक्स, एंड ऑल्सो 10 मंथ्स और 10 वीक्स। ओके, सो यहाँ पे एक और मुझे दिख रहा है कि यस अगर आप लोग किसी रिश्ते को जबरदस्ती चला रहे हो तो गाइज वो रिश्ते मे भी आपको मैं बता दूं, ये दोनों ही आप लोग ट्रू लव हो एक दूसरे के, बट यस कुछ ना कुछ रीजन की वजह से थोड़ा सा इमोशनल अटैचमेंट में कुछ ना कुछ कमी आई है, ठीक है। सो यहाँ पे एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, सो आपको बोला जा रहा है इस रिश्ते में कुछ एक्सपेक्ट करिए, ठीक है, पावरफुल चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो गाइज आप लोग, ठीक है, चेंजेस आ सकते हैं आपके रिश्ते में। एंड यहाँ पे कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, सो गाइज कंक्लूजन्स आपको मिलते हुए दिख रहे हैं इस रिश्ते में। ओके, आपको जो भी जानना था वो आपको पता चलते हुए दिख रहा है। एंड एक्सपेक्ट करिए आपकी लाइफ में पावरफुल चेंज आते हुए दिख रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे है आपके लिए हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, सो फेथ रखिए अपने ड्रीम्स में, जो भी आपके सपने हैं उनमें फेथ रखिए। ओके, एंड यहाँ पे है लास्ट कार्ड है आपके लिए फेयरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, सो आपके लिए फेयरी क्लाइमेक्स अप्रोच होने वाला है, मतलब आपकी लाइफ में क्लाइमेक्स आने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पे आपके लिए फुल मून इन एरीज हो सकता है इंपॉर्टेंट, फुल मून एक्लिप्स एंड न्यू मून, सीरियस यहाँ पे एक्लिप्स की एनर्जी है गाइज, दोनों ही न्यू मून एक्लिप्स एंड फुल मून एक्लिप्स, ठीक है। सो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं जो जैसे होते हैं क्लिप्स, आई थिंक वही होते हैं कि यस ग्रहण लगना। ओके, सो यहाँ पे वो टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके इस रिश्ते के लिए, आप दोनों तब मिल सकते हो, ठीक है। सो बॉटम ऑफ द डेक गाइज एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, सो गाइज कोई साइकिल है जो आपकी लाइफ में एंड होने वाला है, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, फुल मून इन कैप्रिकॉन, सो गाइज आपके लिए मकर राशि इंपॉर्टेंट हो सकती है, कैप्रिकॉन या मेष राशियों के। सो गाइज अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक दिस रीडिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, बेल आइकन को दबा देना गाइज। एंड अभी के लिए इतना ही, हर हर महादेव, राधे राधे। एंड अगर आपको अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करवानी है तो गाइज आप मुझे DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, लिंक गाइज डिस्क्रिप्शन में है, टाइम स्टैम्प्स के जस्ट ऊपर, ठीक है, एंड ऑल्सो अबाउट सेक्शन में भी है जहाँ पे इंस्टाग्राम लिखा हुआ है। ओके, सो गाइज अभी के लिए इतना ही, हर हर महादेव, राधे राधे, बाय। सो हेलो माई ब्यूटिफुल सोल्स, वेलकम टू माई चैनल पीपल टैरो। सो गाइज कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होकर अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइज पायल टू, कैसे हो आप सब लोग? सो गाइज आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आ गई हूँ, हु इज योर ट्रू लव, कौन है वो
जो आपसे रियल में लव करते हैं। ओके, सो कौन है आपका सच्चा प्यार? सो गाइस आज हम यही देखेंगे। सो अगर आपके नेम के इनिशियल्स गाइस एन से लेके जेड के बीच में थी, या आपने चैरिटी कार्ड को पिक किया था, तो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं आपकी रीडिंग। सो अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हो, आप मुझे डीएम भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। ओके, टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में है गाइस, एंड उसके ऊपर ही, जस्ट ऊपर ही गाइस लिंक है इंस्टाग्राम को। ओके, सो गाइज यहाँ पे है चैरिटी। सबसे पहले ये पर्सन को चैरिटी करना पसंद है, ठीक है? ये पर्सन, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है लॉर्ड कृष्णा के ही कार्ड्स हैं गाइज ये। ओके, बट यहाँ पे जो दिख रहा है मुझे, यहाँ पे ये पर्सन चैरिटी डोनेशंस करना, एनजीओस में वर्क करते हो सकते हैं, किसी अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत है उनकी हेल्प बहुत जल्दी कर देते होंगे ये। ओके, सो गिव व्हाट हैज़ बीन आस्ट ऑफ यू। सो गाइज वो दीजिए जो आपसे मांगा गया है। ओके, सो लाइक लॉर्ड कृष्णा जी ने यहाँ पे किसी से उनका सिर का, या तो लॉर्ड कृष्णा ने मांगा था या उन्होंने खुद ही दिया है। ओके, अपनी श्रद्धा के अनुसार। सो गाइज यहाँ पे वो सब चीज़ें भी दिख रही हैं कि यस उन वो मांगे चाहे ना मांगे, बट यस यहाँ पे क्या कहा गया है, गिव व्हाट हैज बीन आस्ट ऑफ यू। सो वो दीजिए उनको जो उनको चाहिए। ओके, या आपको जो भी चाहिए वो आपको दिया जाएगा लॉर्ड कृष्णा की तरफ से ही। ओके, सो आपके लिए देख लेते हैं यहाँ से टैरो के थ्रू क्या मैसेजेस आ रहे हैं गाइस। क्या कौन है वो जो आपसे सच में प्यार करते हैं, चाहे गाइस वो आपकी फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, चाहे कोई भी। ओके, जो आएगा रीडिंग में मैं वो बताऊंगी आपके। ओके, ओके, सबसे पहला कार्ड यहाँ पे भी एस ऑफ वॉन्ड्स ही आया है गाइस। फर्स्ट फाइल में भी यही था, टू ऑफ वॉन्ड्स। सी दिस, वहां पे टू ऑफ कप्स आया था इस जगह पे, एंड यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स आ चुका है। ओके, सो सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, जजमेंट। नेक्स्ट वन इज, दो कार्ड आ चुके हैं गाइज यहाँ पे, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। लास्ट टू कार्ड्स रह गए हैं हमारे, थ्री ऑफ कप्स, 1 2 3। सो ये सिंक्रोनिसिटी गाइज फर्स्ट फाइल में भी दिख रही थी। ओके, सो यहाँ पे भी यही आ गई है। सो एट ऑफ वो, सो बॉटम ऑफ द डेक इज सन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड मिडिल एनर्जीज एंड सन ऑफ कप्स। सो दोनों ही सन्स आए हैं, मतलब दोनों ही नाइट्स के कार्ड्स आ चुके हैं। तो नाइट्स गाइज ब्लस्ट होते हैं, ठीक है? यहाँ पे ये आपको बताया जा रहा है। सो गाइज नाइट्स यहाँ पे ब्लेसिंग्स आपको प्रोवाइड करते हुए दिख रहे हैं, या फिर सो गाइज ये पर्सन नाइट्स हो सकते हैं, जो भी आपके पर्सन है, ठीक है? जो भी आपके ट्रू लव हैं, लवर हैं, ये पर्सन गाइज नाइट की एनर्जीज में हो सकते हैं। मेच्योर भी है, बट कभी कभी इमेच्योर भी बन जाते हैं, या फिर इमेच्योरिटी लेवल को पार करके, जैसे कहते हैं ना चाइल्डहुड है, देन अडल्ट, देन गाइज टीनेजर एज आती है, ठीक है? देन एडल्ट आती है, तो ऑफकोर्स वही एज दिख रही है यहाँ पे। सो यहाँ पे मिडिल एनर्जीज दिख रही है गाइज यहाँ पे। ओके, सो बहुत फास्ट वे में आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, एंड ऑल्सो इमोशनल फीलिंग्स एंड कमिटमेंट लेकर ही आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे कप्स का कार्ड है एंड यहाँ पे गाइज एस ऑफ वॉन्ड्स है। सबसे पहले ही न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड आ चुका है, वन नंबर का कार्ड आ चुका है। ओके, सो आप लोग गाइज यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैशनेट होने वाले हो, या ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट होने वाले हैं, ठीक है? फायरी एनर्जीज हैं यहाँ पे। टू ऑफ वॉन्ड्स गाइज, आपकी लाइफ में ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस से हो सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा वेट करवाने के बाद ही आने वाले हैं। वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा होगा आप दोनों के मिलने में। कभी कभी होता है आपका ट्रू लव आपको 14 ईयर्स, 15 ईयर्स, 17 ईयर्स में मिल गया, बट यहाँ पे मुझे 24 के बाद ही मिलते हुए दिख रहे हैं, या 21 के बाद ही मिलते हुए दिख रहे हैं। ओके, सो थोड़ा सा डिले है यहाँ पे चीज़ों में, एंड सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे। आपने बहुत सारे धोखे खाए हैं, या ये पर्सन ने धोखे खाए हैं बहुत ज़्यादा। ओके, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहाँ पे धोखों का ही कार्ड होता है, डिसेप्शन डिसीट का ही कार्ड होता है ये।
फाइट्स होते हुए भी दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि यस आपको लेकर यहाँ पे फाइट्स हो सकती हैं, ठीक है, लड़ाई झगड़ा वगैरह, ठीक है। सो यहाँ पे जजमेंट मिलते हुए भी दिख रही है आपको, ठीक है। जजमेंट आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं, जज यहाँ पे आपको किया जाएगा, आपका टेस्ट लिया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से, ओके। एंड ये पर्सन का भी टेस्ट आपसे मिलने से पहले लिया जा सकता है कि यस आप इनके लिए सही हो, वो आपके लिए सही है, ओके। ये सब चीज़ों के लिए सेवन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। सेवन ऑफ पेंटिकल्स गाइज आपको यही बता रहा है कि आपकी लाइफ में मनी रिलेटेड इश्यूज, ओके, नहीं दिखेंगे, बट अभी थोड़ा सा पेशेंस रखवाया जा रहा है आपको, ठीक है। ये पर्सन को भी ऐसा ही हो सकता है, ये पर्सन अभी आपकी लाइफ में इसलिए नहीं आ पा रहे हैं, ये थोड़ा सा मनी रिलेटेड पॉज में है, ठीक है। मतलब ये अपनी लाइफ में अभी हार्डवर्क कर रहे हैं, बट अभी पेशेंस रख के बैठे कि यस उसका हार्डवर्क का मुझे मनी या अबंडेंस उसके रूप में प्रोवाइड की जा सकती है, आपको मिल सकती है, ठीक है। थ्री ऑफ कप्स सेलिब्रेशन, गाइस सेलिब्रेशन करते हुए दिख रहे हो आप लोग, मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो आप एक जगह से दूसरी जगह, ओके। तो उस टाइम गाइस आपके ट्रू लव आपको मिल सकते हैं, ठीक है। जब भी आप ट्रैवल करके कहीं पे जाओ, यहाँ पे ट्रैवलिंग इन्वॉल्व दिख रही है, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है एंड शॉर्ट डिस्टेंस भी हो सकता है, ओके। सो एट ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, कम्युनिकेशन होते हुए दिख रही है यहाँ पे, ओके। कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हो आप लोग यहाँ पे, ओके, उस पर्सन के साथ। एंड कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, कॉल्स मैसेजेस बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो यहाँ पे यही दिख रहा है, एंड ये पर्सन आपको जजमेंट देने ही आए हैं, या आपको जजमेंट मिल रही है, ओके। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ था पास्ट में, आपको जजमेंट दी जाएगी, ओके। यहाँ पे ये बताया जा रहा है जजमेंट मिलकर रहेगी, ओके आपको। सो यहाँ से देख लेते हैं गाइस आपके लिए क्या आ रहा है। हु इज़ योर ट्रू लव, ओके। सो यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस, सबसे पहले हम इसको उठा लेते हैं गाइस, ये थोड़ी सी जगह बड़ी लेंगे, ठीक है। सो इसको भी ले लेते हैं हम, ओके। सो एंजल ऑफ बैलेंस आ चुके हैं आपके लिए, डिसीट गाइस, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स के ऊपर ही गाइस। या तो ये पर्सन धोखे खा कर आए, या ये पर्सन को धोखे का एहसास हुआ है, ठीक है। इस वजह से ऐसा हो सकता है कुछ कि यस ये पर्सन किसी के ऊपर जल्दी ट्रस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। सेलिब्रेशन करना पसंद है बट इतना भी नहीं, ओके। एंड ये पर्सन थोड़ा सा शक भी कर सकते हैं हर किसी के ऊपर इनको, क्योंकि इनकी लाइफ में ऐसा इनके साथ हुआ है, तो इन्होंने ऐसे ही एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं, ठीक है। सो डोंट वरी, आपको नहीं, आपके साथ ऐसा नहीं होगा कुछ, ठीक है। सो पेशेंस सीरियस, यहाँ पे पेशेंस मैंने आपको बोला था कि पेशेंस रखकर ही सब कुछ होगा आपका, एंड पेशेंस नहीं रखा आपने, ओके। एंड लास्ट वन इज जोट रोमांस। सो गाइज आपके लिए टू डोर्स ओपन होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे गाइज ट्रू लव आपके जो ये पर्सन आएंगे, उसके बाद गाइज आपकी लाइफ में मनी रिलेटेड इश्यूज खत्म हो जाएंगे, एंड ऑल्सो आपकी लाइफ में रोमांस आता हुआ दिख रहा है, डोट रोमांस यहाँ पे दिख रहा है। थिंकिंग वुमेन, सो गाइज यहाँ पे आपके बारे में कोई ना कोई ओवर थिंकिंग कर रहा है, आप किसके बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ओके। सो यहाँ पे बटरफ्लाई आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, 11 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ओके। सो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है, चेंज आता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में। इम्बैलेंस क्रिएट मत करिए गाइज अपनी फीलिंग्स एंड अपने इमोशंस में, ठीक है। इम्बैलेंस मत करिए, एंड ऑल्सो बैलेंस बना के रखिए येन एंड यांग एनर्जीज को अपने लाइफ में, जैसे कहते हैं ना, येन एंड यांग एनर्जीज को आप अपनी लाइफ में बैलेंस में बना के रखो, ओके। एंड ऑफ कोर्स गाइस यहाँ पे आपको डिसीट होते हुए दिख रहा है, कोई ना कोई सिचुएशन में आपके साथ कुछ धोखा हो सकता है। सो गाइस ये जो कार्ड है डिसीट का, ये 2-3 डेज में से आ रहा है रीडिंग में, ओके। सो कुछ ना कुछ एनर्जीज हो सकती हैं, सो आपको जो इफेक्ट कर पाए, सो बी अवेयर, ओके। सो डोंट बी फूल। सो यहाँ पे गई हॉस्टैलिटीज आया है लड़ाई झगड़े में, ठीक है। सो आप लोग बहुत आगे होने वाले हो, ठीक है। सो फाइट्स वगैरह, यहाँ ये पर्सन एथलीट हो सकते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब टेकर हो सकते हैं। सो यहाँ पे पेशेंस बना के रखना पड़ेगा आपको, अगर आपको इनक्री आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, ठीक है। सो अगर आपको इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना है, अपने ट्रू लव के साथ आगे बढ़ना है, सो आपकी लाइफ में आपको पेशेंस तो रखवाया ही जाएगा, ओके।
सो ऑफ कोर्स आपकी लाइफ में 25 नंबर इम्पॉर्टेंट होता है, 7 नंबर, 48, 12 नंबर एंड 31, 33, 6, 4, 16, 7 एंड 26. ओके, सो यहाँ पे ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं. ओके, सो आपका बर्थ मंथ हो सकता है आपके लिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है. ओके, सो यहाँ से देख लेते हैं गाइज आपके लिए नेक्स्ट क्या मैसेजेस आ रहे हैं. बट आपके लिए गाइज डोर्स ओपन है रोमांस एंड मनी के. ओके, सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो. ओके ओके, सबसे पहला कार्ड गाइज यहाँ पे एट ऑफ स्वॉर्ड्स आया है. एट ऑफ स्वॉर्ड्स, हार्ट ब्रोक, ब्रोकन हार्ट. ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स. ओके सॉरी, एट ऑफ पेंटिकल्स. एम्परर इज अगेन कमिंग गाइज, एम्परर तो यहाँ पे आ ही गया अगेन. सो यहाँ पे फूल है. ओके, टू ऑफ कप्स. सो गाइज बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, बट यहाँ पे अब मुझे ना ये थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स खटक रहा था, बट इसको हम क्लैरिफाई कर लेंगे. ओके, लास्ट में. सो यहाँ पे वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड लास्ट वन इज फॉर थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वन मोर. सो गाइज मूव ऑन की सिचुएशन दिख रही है यहाँ पे. ओके, सो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो आने वाले टाइम में. सो आपकी लाइफ में थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स मीन्स आपकी लाइफ में मटीरियल, स्पिरिचुअल एंड आपकी पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनता हुआ दिख रहा है. अगर इम्बैलेंस है तो गाइज उसको ठीक करो. ठीक है, एट ऑफ पेंटिकल्स है आपकी लाइफ में, न्यू बिगिनिंग्स होते हुए दिख रही हैं. मनी आपकी लाइफ में इंक्रीज होते हुए दिख रही है. आप अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करते हुए दिख रहे हो. ठीक है, एंड यहाँ पे है एम्परर कार्ड. एम्परर गाइज बॉटम ऑफ द डेक, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड मिडल नर्जिस, यहाँ पे एम्परर. ओ माय गॉड गाइज, मैंने ना मिडल नर्जिस निकाली ऐसे ही, जैसे ऐसे करके ना ऐसे निकाल ली. एंड ये एम्परर एंड एम्प्रेस क्यों आते हैं साथ में मुझे नहीं पता. ये दोनों ही डेस्टिनेड हैं एंड ये आ चुका है, मतलब डेस्टिनेड पक्के हैं. सेकंड पाइल में भी कुछ लोग पक्के हैं. ठीक है, जो हैप्पी हैं. ठीक है, यहाँ पे एम्प्रेस के रूप में ऑफकोर्स आपकी लाइफ में टू ऑफ कप्स है, बहुत ज़्यादा प्यार है यहाँ पे. टू ऑफ कप्स, यही कार्ड्स फर्स्ट पाइल में आए थे. ओके, ऐसे ही दूसरी डेक से. ठीक है, सो यहाँ पे आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आते हुए दिख रही हैं. आप लोग बहुत अच्छे से स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो अपना डे. ठीक है, यहाँ पे आपके पर्सन के साथ यहाँ पे लाइक ऐसा आप लोग देख सकते हो कि यस आपकी लाइफ में ऐसा ऐसा हो सकता है. ठीक है, सो सकते हो आप ये सब चीज़ें. सो ऑफ कोर्स यहाँ पे टू ऑफ कप्स है, बहुत सारा एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, आपके प्यार को, बहुत सारा प्यार है यहाँ पे. ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे मनी दिखा रहा है. ठीक है, पैसा, मनी कैसे आ सकती है, आप लोग कैसे अपनी तरफ कर सकते हो. यहाँ पे ये पर्सन आपको सिखा सकते हैं, या ये पर्सन बहुत ज़रा जिसे कहते हैं ईगो वाले हो सकते हैं. ठीक है, जल्दी ना बुलाना, जल्दी हर एक बात शेयर ना करना आपके साथ. ओके, ऐसा कुछ हो सकता है गाइज. ओके, सो यहाँ पे आपके पर्सन के पास डॉग हो सकता है. ठीक है, वाइट डॉग या ब्लैक डॉग. सो यहाँ पे डॉग दिख रहा है, फ्रीडम एंजॉय करते हुए दिख रहे हो अपनी अपनी लाइफ में. ठीक है, सो फ्रीडम यहाँ पे मिलते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे फ्रीडम एंजॉय भी की जा रही है. ओके, बहुत हार्ड वर्क करने वाले हो गाइज आप लोग आने वाले टाइम में. हार्ड वर्किंग नेचर दिख रहा है यहाँ पे. सो यहाँ से क्या आ रहा है आपके लिए. सो गाइज आप गुड इनफ हो, आपके अंदर कोई भी कमी नहीं है. ठीक है, आप ऐसे मत सोचो कि यस ये मेरे ट्रू लव है, ये मुझे कैसे मिल गए इतने हैंडसम या कुछ भी. ठीक है, टॉल हैं, बिग, जो भी है. ठीक है, सो यहाँ पे है आप गुड इनफ हो. सो आप बहुत अच्छे हो, आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि आप अच्छे नहीं हो और आपको ये पर्सन आ मिले. ओके, फुल मून इन वर्गो. सो गाइज आपके लिए वर्गो साइन मतलब कन्या राशि इंपॉर्टेंट हो सकती है. ओके, सो यहाँ पे कम्युनिकेशन इज की. सो गाइज कम्युनिकेशन एक की है आप दोनों में बात होने के लिए. ओके, सो यहाँ पे न्यू मून इन जेमिनी, जेमिनी साइन इंपॉर्टेंट हो सकता है. सो यहाँ पे है न्यू स्टार्ट इज कमिंग. सो न्यू स्टार्ट भी होते हुए दिख रहे हो गाइज आपकी लाइफ में. आप अपनी लाइफ में न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो. ओके, सब कुछ
एंड यहाँ पे लास्ट वन इज इट्स टाइम टू टेक एक्शन. सो गाइज आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है आपकी लाइफ में. अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो तो एक्शन लेने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में. ओके सो जो भी है ठीक है. न्यू मून इन एरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है. एंड यहाँ पे वर्गो एंड जेमिनाई. ओके सो यहाँ पे ये साइंस आपके लिए जेमिनाई वर्गो एंड एंड यहाँ भी एरीज आया है ठीक है. सो यहाँ पे आया है बॉटम ऑफ द डेक. यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल्स. सो आप बहुत क्लोज हो गाइज इस पर्सन के. ओके ये पर्सन भी आपके बहुत क्लोज है. बट यस जब भगवान जी मनाए तभी मिलोगे. ओके सो गाइज यहाँ पे अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक दिस रीडिंग. सब्सक्राइब टू माई चैनल. बेल आइकन को दबा देना गाइज. एंड अभी के लिए इतना ही. हर हर महादेव. राधे राधे. अगर आपको अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करवानी तो आप मुझे DM कर सकते हो. ओके इंस्टाग्राम पे लिंक डिस्क्रिप्शन में है इंस्टाग्राम का या अबाउट सेक्शन में. ओके सो गाइज अभी के लिए इतना ही. हर हर महादेव. राधे राधे. बाय.